उनके इतने मानता भलाई के कार्य हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ अच्छी बातें ही बताई हैं, कैसे नशे से दूर रहना है, कैसे लोगों की मदद करनी है, कैसे गरीब लोगों की मदद करनी है, कैसे जो बीमार हैं उनकी मदद करनी है, जिनके पास घर नहीं है उनके घर बनाने, ऐसे अच्छे अच्छे काम किए हैं। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। सोलन हिमाचल प्रदेश के अंदर हम मौजूद हैं, बहुत ही बड़ा जन समागम यहां पर डेरा सच्चा सौदा की तरफ से यहां आयोजन किया गया है। बहुत सुबह से देख रहे हैं बड़ी भारी तादाद में यहां लोग एकत्रित हो रहे हैं, बातचीत करते हैं यहां पर आने वाले लोगों से। आज ये लोग किस पर्पस से यहां पर आए हैं, क्या प्रोग्राम यहां पर होने हैं, बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलवंत सिंह है, मैं हरियाणा से हूँ। क्या करते हो सर? सर मैं जॉब करता हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज यहाँ सुबह से देख रहे हैं बहुत ही भारी तादाद में डेरा सच्चा सौदा के जो श्रद्धालु हैं सुबह से यहाँ पर आ रहे हैं, रात से यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या प्रोग्राम हो रहे हैं यहाँ पर, किसके तहत लोग आए हैं आज? ये पूजा गुरु जी की कृपा से ये लोग आए हैं यहाँ पे। जैसे वो आदेश देते हैं कि वहाँ पे सत्संग है, वहाँ पे लोगों को समझाना है, नशे से दूर करना है, लोगों को बुराई से दूर करना है, तो उनके अनुयायी वहीं पे पहुँच जाते हैं और लोगों को समझाते हैं कि आप नशों से दूर रहो और अच्छे काम करो, नेक काम करो, भ्रूण हत्या जैसे क्रूर काम को रोकते हैं, ऐसे काम गुरुजी करते हैं। इसलिए वो जगह जगह देश के कोने कोने में जाके सत्संग फरमाते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों का भला करते हैं। सर हाँ जी, सर अगर हम बात करें, आज वो यहाँ पर मौजूद नहीं है बाबा जी, जी तो फिर भी लोग आ रहे हैं, उनकी आस्था आज भी ज्यों के त्यों बरकरार है, क्या वजह है? लोगों के लिए वजूद नहीं है, जो ये दुनियादारी है, दुनियावी लोग उनके लिए वजूद नहीं है, हमारे लिए और जो उनके न्यायी हैं, जो डेरा सच्चा सौदा में जाते हैं, उनके कण कण में मौजूद है, उनके दिलों में मौजूद है, उनके रक्त में मौजूद है। ये लोगों का कहना है कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये बिना मौजूदगी के कभी भी नहीं हो सकता, ये जन सलाब है। इतना यहाँ आज लाखों लोग आए हैं, तो मतलब उनका प्यार, उनकी मोहब्बत ही है जो यहाँ से खींच के लेके आती है। जी जी जी। कितने समय से आप डेरा के साथ जुड़े हो? जी मेरे को नामदान लिए हुए 13 साल हो गए, और पहले मेरे फादर साहब हैं वो 25 से 26 साल से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं। काफ़ी लंबे समय हो गया आपको डेरा के साथ जुड़े हुए, क्या क्या आपने यहाँ पर देखा है, क्या कभी आपने गलत कुछ देखा डेरा में? सर मैंने ऐसा कभी कुछ डेरे में नहीं देखा, उनके इतने मानता भलाई के कार्य हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ अच्छी बातें ही बताई हैं, कैसे नशे से दूर रहना है, कैसे लोगों की मदद करनी है, कैसे गरीब लोगों की मदद करनी है, कैसे जो बीमार हैं उनकी मदद करनी है, जिनके पास घर नहीं है उनके घर बनाने, ऐसे अच्छे अच्छे काम किए हैं, कैसे बुरा कर सकते हैं वो किसी का। ये लोगों की बातें हैं, लोगों के लिए हम कुछ कह नहीं सकते। क्या आज उनकी समाज की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, क्यों नहीं है, बहुत ज़रूरत है। आप देख रहे हो ना, जगह जगह पे पाप कुकर्म हो रहे हैं, क्यों जरूरत नहीं है, बहुत ही जरूरत है उनकी। जी जी जी। डेरा की बात करते हैं, डेरा के अंदर किस धर्म की शिक्षा दी जाती है, किस धर्म के लोग यहाँ? वहाँ पे किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है, वहाँ पे हर धर्म के लोग जाते हैं, वहाँ पे हिंदू जाते हैं, वहाँ पे मुस्लिम जाते हैं, वहाँ पे सिख जाते हैं, वहाँ पे ईसाई जाते हैं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी किसी धर्म के लिए कुछ या किसी मेनली धर्म को वहाँ पे बुलाया जाता है, नहीं, ना ही किसी का धर्म छुड़वाया जाता है, जो जैसी वेशभूषा में आना चाहता है वैसे आ सकता है। ओके, लास्ट में आप हमारे माध्यम से गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं गवर्नमेंट से ये बोलना चाहता हूँ कि बाबा जी की, गुरु जी की इस देश को बहुत जरूरत है, जल्दी से जल्दी उनको बाहर निकाला जाए और जो इस देश को एक अच्छी शिक्षा के साथ आगे लेके जाया जाए। थैंक यू सो मच सर। तो ये समाज के रहने वाले लोग किस तरह से मांग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने समाज के लिए, देश के लिए बहुत सारे काम किए हैं, नशे छुड़वाना हो, 6 करोड़ से ऊपर लोगों का नशा छुड़वाया, समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है, वैश्यावृत्ति है, भ्रूण हत्या है, बहुत सारी कुरीतियों को ख़त्म किया, और ये लोग आज मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी उनको समाज के बीच लाया जाए। आपके क्या विचार हैं वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट टेक के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।